एज ए स्टूडेंट मैंने हमेशा ही स्टूडेंट्स की बात की है, तो सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे आके अपना साथ दे रहे हैं, थैंक यू। और आपके सपोर्ट की तो बहुत ज़्यादा हम लोगों को ज़रूरत है, क्योंकि ये जो प्रोटेस्ट हम लोग कर रहे हैं वो सिर्फ प्रोफेसर्स का प्रोटेस्ट नहीं है, वो हमारे आने वाले जनरेशन का प्रोटेस्ट है। ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है वो आप लोग जो बैठे हैं आपके आने वाले फ्यूचर जनरेशन्स का प्रोटेस्ट है। काशीराम जी की एक कोटेशन मुझे बहुत अच्छे से अभी याद आ रही है कि चाहे हम लोग पावर में आए ना आए, पर जो सोशल मूवमेंट होते हैं वो कंटिन्यू चलना चाहिए। तो ये एक वो सोशल मूवमेंट है जिसमें आपको पार्टिसिपेट करना है, और ये एक हिस्टोरिक सोशल मूवमेंट है। मैं आप लोगों से ये निवेदन करना चाहती हूँ कि कल को आके आपकी जनरेशन आपसे ये ना पूछे कि आप सोशल मूवमेंट में कहाँ गए थे। तो आके जैसे आपने 6 तारीख को 19 जनवरी को जैसा भी आपने सपोर्ट दिखाया, प्लीज़ अगले आने वाले एक्शन कॉल में वैसा ही हम लोगों को आप सपोर्ट दिखाएं। एंड थैंक यू। ठीक है, स्टार्ट। सभी को क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, आज मैं किन्नर सोनू चोपड़ा डिस्ट्रिक्ट रोहतक हरियाणा से, बहन जो 170 दिन से डॉक्टर जीतू डीयू के गेट 8 फैकल्टी के फ्रंट में बैठी हुई है धरने पर, लेकिन आज तक बहन को न्याय नहीं मिला है। और मैं सभी किन्नरों से हाथ जोड़ कर विनती करती हूँ कि बहन का तन मन धन से साथ दो। ये आपकी बेटी पूरे देश की बेटी है, पूरे बहुजन समाज SC ST माइनॉरिटी OBC की बेटी है, ये अकेली हमारी बेटी नहीं है, ठीक है। जब आए दिन हमारे हजारों बेटियों के साथ गलत होता है, लेकिन इस बहन का मुझे गर्व है जो अपने न्याय के लिए ये 170 दिन से DU के गेट फ्लोर पर बैठी है। लेकिन ये मनुवादी सरकार आज भी जो सविता रॉय वाइस चांसलर है उसको गिरफ्तार नहीं कर रही, और क्योंकि वो मनुवादी है। और ये BJP की सरकार जब जब सत्ता में आती है हमारे SC ST OBC माइनॉरिटी के साथ जाति धर्म की लड़ाई करती है, ये हमें नीचा दिखाने की कोशिश करती है। लेकिन हम बाबा साहब अम्बेडकर के बच्चे था, लेकिन हम डरने वाले नहीं, हमारे रगों में बाबा साहब का खून है। जब उस टाइम बाबा साहब नहीं डरे, लेकिन ये इसी तरह ये बहन नहीं डर रही। मैं पूरा बहुजन समाज साथ था, और मैं सभी किन्नरों का भी समय के लिए आई हूँ, पूरा किन्नर समाज भी बहन के साथ है। बहन इस लड़ाई में अकेली नहीं है, पूरे देश की बेटी है। मैं अब तक से माताओं बहनों से भी रिक्वेस्ट करती हूँ, बहुजन समाज के हर साथी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपका समाज 85% है, पूरे 15% मनुवादी विचारधारा के लोग बहन के साथ जातिगत भेदभाव कर रहे हैं। कि अकेली बहन के साथ तो होना ही होना है, लेकिन एक हेमलता बहरवा बहन के साथ भी गलत हो रहा है, और पूनम जाटव के साथ भी ऐसा ही हुआ था। वो भी अपने समाज के MDU की प्रोफेसर थी, उनको भी नौकरी से निकाल दिया था, उस लड़ाई में भी हमने साथ दिया था। पूरा बहुजन समाज साथ आओ, तन मन धन से बहन का साथ दो। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। शुक्रिया साथियों, जैसे आपने देख ही लिया, मुझे मैं उम्मीद करती हूँ बहुत सारे लोग जुड़ गए उस लाइव से, और आज धरने के 169 दिन पूरे हुए हैं। एक भी दिन ऐसा नहीं है कि हमारे हौसले कम हुए हों, एक भी दिन ऐसा नहीं है हमारी हिम्मत कम हुई हो। सब आप सबका साथ सपोर्ट जो इतना भर भर के आपने 6 तारीख को दिया, और उसके बाद भी 6 तारीख से लगातार फ़ोन कॉल आने, मैसेजेस आने, अगला क्या है बहन, अगला एक्शन प्रोग्राम क्या है, हमने जीतना है। जितने भी लोग फ़ोन करते हैं वो यही कहते हैं कि इस जंग को जीतना है, इस लड़ाई को जीतना है, जीतना है। ये मान सम्मान की लड़ाई है। ये वाक्य में साथियों मुझे खुशी है इस चीज़ की, जो मैं पहले दिन से ये बात बोलती आ रही थी कि हाँ, ये कि ये मान सम्मान की लड़ाई है, ये समाज की लड़ाई है, ये हमारी अपनी होंद सेल्फ रिस्पेक्ट डिग्निटी की लड़ाई है। तो अब इस डिग्निटी को, ये लड़ाई को लड़ने के लिए आप सबका जो साथ मिला, मैं उम्मीद करती हूँ आगे भी ऐसा मिलेगा। बहुत सारे साथी आए हैं, मैं चाहती हूँ आप लोग सब अपनी बातें रखो, और आप लोग बस कुछ दिन का इंतजार करो। बड़ा एक्शन प्रोग्राम क्या है वो जल्दी आपके बीच में लाएगा, लेकिन अगेन बार बार ये चीज़ बोलना चाहती हूँ, जो पुलिस के साथ कॉन्स्पिरेसी हुई, पुलिस ने कॉन्स्पिरेसी करके जिस तरीके से पहला हमारा प्रोटेस्ट हटाया, पुलिस ने कॉन्स्पिरेसी करके जिस तरीके से संगी गुंडों के साथ मिलके आशुतोष पे अटैक करवाया, पुलिस कॉन्स्पिरेसी करके जिस तरीके से यहाँ पे जासूस छोड़ती है, सबसे बड़ा क्राइम अगर इसमें कोई कर रहा है तो वो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है। जो
संगी गुंडे जो यूनिवर्सिटी में हैं, चाहे वो वाइस चांसलर से लेके, चाहे वो आरएसएस के गुंड जो नीचे ठन्नी चवन्नी बैठे हैं, ये सब एक साजिश के तहत कर रहे हैं, जिसमें पुलिस का जो सबसे बड़ा कॉन्स्पिरेसी का रोल है। और इस देश का कानून, मैं पूरे आश्वासन से कह रही हूँ, जो जो इस क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में शामिल है सब जेल की सलाखों के पीछे होंगे। और ये जो अभी चार दिन पहले, परसों, तीन दिन पहले गार्ड्स ने, हमें पहले से ही शक था एक गार्ड पे, जिस तरीके से वो हरकतें करती थी, आँख हमारे बीच में बैठना, यहाँ की खबर लेके जाना, बार बार हमारी आपत्तिजनक फोटो खींचनी, अब उन पे जो हमने कंप्लेंट करवाई, आज हम FIR लेने जाएंगे। कि FIR हुई तो दो, वो हमारी फोटोज किसको ट्रांसफर करती है, क्योंकि जिस दिन साथी आशुतोष पर अटैक हुआ उस दिन पुलिस ने ही यहाँ से इन्फॉर्मेशन मंगवाई थी, और उसको यहाँ पे स्पाई एजेंट वाइस चांसलर प्रॉक्टर ने रखा है, सविता रॉय के राही, वो कहाँ जाती है इन्फॉर्मेशन, उसका सबूत हमें चाहिए, और आज हम FIR की कॉपी देने जाएंगे। सभी साथियों को मेरा जय हिंद। साथियों, आज धरने के 170 दिन पूरे हो चुके हैं, इन 170वें दिन पे आप सब से, जितने भी साथी यहाँ देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब से बार बार हमारा निवेदन रहा है, क्योंकि ये लड़ाई जो DU में चल रही है, एक ऐतिहासिक आंदोलन जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में आज सेकेंडरी पर चल रहा है, आप सबका एक एक व्यक्ति का, एक एक साथियों का, एक एक भाई, एक एक बहन, जो लोग देख रहे हैं, चाहे वो बड़े हो या बुजुर्ग हो, उन सबका साथ बेहद जरूरी है, आप सब लोगों ने दिया। अभी क्या हुआ या आने वाले टाइम तक क्या होगा या पीछे क्या हुआ, ये सब आप सबको बखूबी पता है, क्योंकि दिल्ली विश्वविद्यालय अच्छे जान चुका है कि हम लोग उनसे बिल्कुल नहीं डरे। मैं बार बार ये क्यों करता हूँ रिपीट, क्योंकि ये लोग चाहते हैं हमको डराना, ये लोग चाहते हैं कि इनको कैसे भी करके पीछे किया जाए, इन लोगों को मार के, इन लोगों को सस्पेंड करा के, इन लोगों को नौकरी से निकाल के, इन लोगों को तमाम तरह के और रास्ते गेट बंद करके, या फिर महिला गार्डों से अटैक करवा के, या और झूठे आरोपों से इनको कैसे भी करके पीछे वापस किया जाए या डराया जाए। इन लोगों ने पूरी कोशिश की, पहले डॉक्टर जो पे अटैक करा के, फिर विजयनगर में एक मुझ पर अटैक कराया, उसके बाद जो उस दिन आर्ट सेक्रेटरी पर यहाँ हुआ 5 तारीख की रात में, मेरे पूरे दोनों हाथ जला दिए, उसके बाद परसों एक और, उनके पास और कुछ रास्ता नहीं, फाइनल जो रास्ता था कि एक महिला गार्ड को आगे करके मुझ पर फिर से मेरे दोनों हाथ पकड़ लेंगे। तो ये इनके तरीके हैं, कोई वैचारिक रूप से जो लोग चाहते हैं इस यूनिवर्सिटी को, इस कैंपस को बदला जाए, जो लोग चाहते हैं कि यहाँ पर सच का बदलाव आए, यहाँ पर संगी और जो गुंडों ने एक अपना जो अपना हब बना लिया उसको डिस्ट्रॉय किया जाए, उसको खत्म किया जाए, वो अभी हमारे साथ हैं, और हम लोग बार बार चीख चीख कर बोलते हैं कि कॉन्स्पिरेसी की वो हो सकती है, क्योंकि हम पे अटैक हुआ है, या आप किसी को फोटोज़ दे रही हैं आगे, कोई हमारा पीछा करने के लिए दे रही हैं कि हम कब निकले, ये वो सारी चीज़ें, तो ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। कट गया। ये चीज़ आप सबको समझने की ज़रूरत है कि जो आखिरी हथकंडा इन्होंने आशुतोष पे अजमाया था वो यही था कि किस तरीके से इसका सेक्सुअल हैरेस करके या कैरेक्टर असैसिनेट करके एक डिफरेंट एंगल लो, और बेचारे लानत है तुम लोगों पे, गधो, निकम्मो, निठल्लो, शेमलेस गूंस, वो जो तुम्हारा आखिरी वार था वो भी नहीं चला। नाउ प्लीज फाइंड समथिंग एल्स, है ना, वी आर क्वाइट प्रिपेयर फॉर दैट, गो एंड फाइंड समथिंग एल्स। अगर तुम्हारे अंदर दम है ना तो बिठाओ और लगाओ अपना दिमाग, एज लॉन्ग एज VM अम्बेडकर राइट्स, हम लोग यहाँ पे है ना, वी आर होल्डिंग इतनी मजबूती से अपनी ज़मीन को और इस नीले झंडे को, तो तुम कितना भी जुल्म, कितनी भी स्ट्रैटेजीज के साथ आ जाओ ना, इट विल बाउंस बैक ऑन यू, और तुम मुंह की ही खाओगे, ये गारंटी है इस चीज़ की। आखिरी हथकंडा था एक महिला को, एक मैं जिसे कहती हूँ मंत बुद्धि, बेवकूफ, नलायक महिला, तेरे भी आगे औलाद होगी, तेरी भी आगे आगे बच्ची होगी, तू किसी भी ये एक्ट करने से पहले तुझे सोचना चाहिए था तूने क्या किया। और ये उसको, उसकी कोई हैसियत नहीं है, उसको करवाने वाले जो वाइस चांसलर अंदर बैठे हैं, जो प्रॉक्टर अंदर बैठी है, ये शह देख के ऐसे लोगों को आगे करते हैं, बट आई थिंक दे आर सक्सेसफुली फेल इन दैट। एंड मैं अब चाहती हूँ कि जो मेरे पीछे साथी आए हैं
वो सब दूर दूर से आए अपनी बात रखना चाहते हैं। और आप बताएं कि आंदोलन ये क्यों ज़रूरी है, लोग जो देख रहे हैं वो भी जुड़ना चाहते हैं कि ये मुट्ठी भर साथी कितने मजबूत हैं। और यही कहूँगी बाकियों के बोलने से पहले कि गिद्धों की धार से ना शेर डरते नहीं हैं, और ये अम्बेडकर के शेर हैं, और तुम्हें बताएंगे आने वाला कल किसका हो। ये रितु और तमाम साथी आशुतोष और सोनू चोपड़ा जो किन्नर समाज से हमारे बीच हैं, मैं सभी का बहुत बहुत आभार धन्यवाद। लड़ाई पहले दिन से क्लियर है और लड़ाई क्लियर है इसलिए सही तरीके से लड़ी भी जा रही है। मैं सबसे पहले रितु और रितु के साथी आशुतोष और तमाम साथियों को बधाई देता हूँ कि जो लड़ाई जिस उद्देश्य के लिए पहले दिन से लड़ी गई थी उस उद्देश्य पर वो लड़ाई कायम है और उसी उद्देश्य को लेकर के लड़ाई प्रतिदिन आगे बढ़ रही है। जो साथी लोग ये कह रहे हैं देश भर से कि अंजाम क्या होगा, मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि मुझे नहीं पता क्या होगा, लेकिन इतना तो तय है कि रितु यहाँ बैठी है, वो जिस उद्देश्य और जिस निश्चय के साथ यहाँ बैठी है और तमाम देश के बहुजन समाज के लोगों का स्नेह उसके साथ है। जब जब पुकारा गया, जब जब बुलाया गया, तब तब लोग यहाँ पहुँचे हैं। और तो और तमाम बहुजन महापुरुषों की वैचारिकी के साथ रितु आगे बढ़ रही है। मैं एक बात निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि रितु यहाँ से मान सम्मान के साथ उठेगी, न्याय लेकर उठेगी, नौकरी भी मिलेगी और सबसे पहले न्याय मिलेगा, और जिन लोगों ने अन्याय किया है वो लोग जेल जाएंगे और ये लड़ाई उस दिन तक जारी रहेगी, तब तक ये काम नहीं होगा। धन्यवाद। कॉन्स्पिरेसी की वो हो सकती है क्योंकि हम पे अटैक हुआ है, या आप किसी को फोटोज़ दे रही हैं आगे, कोई हमारा पीछा करने के लिए दे रही हैं कि हम कब निकले, ये वो सारी चीज़ें, तो ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। कट गया। ये चीज़ आप सबको समझने की ज़रूरत है कि जो आखिरी हथकंडा इन्होंने आशुतोष पे अजमाया था वो यही था कि किस तरीके से इसका सेक्सुअल हैरेस करके या कैरेक्टर असैसिनेट करके एक डिफरेंट एंगल लो, और बेचारे लाने थे तुम लोगों पे गधो, निकम्मो, निठल्लो, शेमलेस गूंस, वो जो तुम्हारा आखिरी वार था वो भी नहीं चला। नाउ प्लीज फाइंड समथिंग एल्स, है ना, वी आर क्वाइट प्रिपेयर फॉर दैट, गो एंड फाइंड समथिंग एल्स। अगर तुम्हारे अंदर दम है ना तो बिठाओ और लगाओ अपना दिमाग, एज लॉन्ग एज वी अम्बेडकर राइट्स हम लोग यहाँ पे है ना, वी आर होल्डिंग इतनी मजबूती से अपनी ज़मीन को और इस नीले झंडे को, तो तुम कितना भी जुल्म, कितनी भी स्ट्रैटेजी के साथ आ जाओ ना, इट विल बाउंस बैक ऑन यू और तुम मुंह की ही खाओगे, ये गारंटी है इस चीज़ की। आखिरी हथकंडा था एक महिला को, एक मैं जिसे कहती हूँ मंत बुद्धि बेवकूफ नलायक महिला, तेरे भी आगे औलाद होगी, तेरी भी आगे आगे बच्ची होगी, तू किसी भी ये एक्ट करने से पहले तुझे सोचना चाहिए था तूने क्या किया। और ये उसको उसकी कोई हैसियत नहीं है, उसको करवाने वाले जो वाइस चांसलर अंदर बैठे हैं, जो प्रॉक्टर अंदर बैठी है, ये शह देख के ऐसे लोगों को आगे करते हैं, बट आई थिंक दे आर सक्सेसफुली फेल इन दैट। एंड मैं अब चाहती हूँ कि जो मेरे पीछे साथी आए हैं वो सब दूर दूर से आए अपनी बात रखना चाहते हैं, और आप बताएं कि आंदोलन ये क्यों ज़रूरी है, लोग जो देख रहे हैं वो भी जुड़ना चाहते हैं कि ये मुट्ठी भर साथी कितने मजबूत हैं। और यही कहूँगी बाकियों के बोलने से पहले कि गिद्धों की धार से ना शेर डरते नहीं हैं, और ये अम्बेडकर के शेर हैं, और तुम्हें बताएंगे आने वाला कल किसका हो। जी।